हनुमते नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आवो जी आवो, 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 आवो जी आवो। जितने भक्त दरबार में आए एक बार दोनों हाथों की ताली बजाएंगे। जितने भक्त दरबार में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, सबसे पहले इस धरती को नमस्कार करेंगे दादा माई वाले जो इस धरती पे सदैव कृपा बरसाते हैं। एक बार दादा माई वाले के लिए भी कुछ सीधे सीधे हाथ उठाकर 1 2 3 4 महादेव, देवों के देव जो मानते भोले बाबा को सीधे सीधे हाथ उठाकर, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ रखकर सभी कहेंगे शिव समा शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, विपद विदारण हार, विपद विदारण हार, विपद विदारण हार। ओ लज्जा सबकी राखियो, ओ लज्जा सबकी राखियो, ओ लज्जा सबकी राखियो, भोले रंदी के अस्वार, भोले रंदी के अस्वार, भोले रंदी के अस्वार। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। माता रानी को कौन कौन मानते हैं? जो माँ को मानते हैं पर सभी कहना क्या आ माँ आ तुझे दिल दे पुकारा, माँ आ तुझे दिल दे पुकारा, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो बालाजी महाराज, 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 बालाजी महाराज। बालाजी महाराज को कौन कौन मानते हैं? जो मानते हैं सीधे सीधे हाथ जगह करना, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, चार शक्तियां कृपा बरसाती है। पहली शक्ति कुल देवता, पहली शक्ति कुल के देव, कुल देवता। और दूसरी शक्ति इष्ट देवता, इष्ट देव कौन? बाबा श्याम को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन मानते हैं श्याम बाबा को? बाबा श्याम के दरबार एक भक्त पहली बार गया, बाबा से कुछ मांगकर आया, कुछ लेकर आया, बाबा ने मन की मुराद पूरी करी। काम धंधे पर लग गया, काम धंधा तरक्की पर चला गया, तो इष्ट देव श्याम बाबा को मान लिया। कुल देवता पहली शक्ति कुल देवता, दूसरी शक्ति इष्ट देवता, तीसरी शक्ति कुल देवी। घर में जिस घर में कुल देवी की मानता, पितरों की मानता और इन चारों देवताओं की मानता नहीं होती, वहां पर बाबा श्याम भी कृपा नहीं करते। कुल देवी ही निर्धारित करती है कि इसके घर में बेटा देना है, बेटी देनी है।
और सबसे बड़ी शक्ति हमारे पितर देव महाराज जो मानते पितर महाराज को सीधे सीधे हाथ खबर कहना क्या पितर जी महाराज 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 पितरों को मानते देख बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज बालाजी महाराज बालाजी महाराज बालाजी महाराज लज्जा मेरी राखियो लज्जा मेरी राखियो पितर जी महाराज मेरे मेरे पितर जी महाराज मेरे दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ बोली शाम प्यारे की जय हो बुलहारे के सहारे की जय हो एक बार सभी मिलकर ताली बजाकर गाओ और कहो कारोबार मेरो बालाजी चलावे कारोबार मेरो हो म्हारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे म्हारी बैलेंस शीट हो जामे कदे भी खाटो कारोबार मेरो अब जो महिला मंडल बैठे वो सोचे कारोबार तो हमारे पति देव करते तो हम क्यों बोले लेकिन कारोबार पता है कहां से चलता है कारोबार घर की रसोई से चलता है जिस घर की रसोई में साफ साफ नहीं होती इनके लिए ताली बजाओ जी बातें करने वालों के लिए मेरी नजर ना जी इनकी सेवा करते करते सीसीटीवी कैमरे की तरह हो गई है जो भी गलत काम करता होगा बातें करता होगा इधर उधर की सीधा उसी में जाकर टिकेगी केजरीवाल ने भी लगवा रखे है ना तो यहाँ भी तो सीसीटीवी का ध्यान रखना बोल सच्चे दरबार की जे? जिसकी रसोई में सफाई नहीं होती उसके काम धंधे में भी कभी बरकत नहीं होती आप सभी अपनी रसोई के लिए गाना और पीछे जितने भी ये पुरुष बैठे हमारे भाई बैठे हमारे अंकल जी बैठे हैं सभी अपने काम धंधे की बरकत के लिए मांगना आप रसोई के लिए मांगना और बालाजी से कहना हे बालाजी महाराज हमारे घर में ऐसी रसोई दो जो सीता रसोई जैसी हो क्योंकि जिस घर में सीता माँ की रसोई होगी उस घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी एक बार सीधे सीधे हाथ उठा के ताली बजा के कारो बाहर मेरो बाला की चलावे ओ 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 भारी बैलेंस शीट बाला जी बनावे भारी बैलेंस शीट जाता हूं हर रोज बालाजी के जागरण में जाता हूं दुनिया उसको ताने मारती है तू हर रोज कीर्तन में जाता है अरे तेरा व्यापार कौन संभालेगा भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया क्या जानना चाहते हो ताली बजाओ मैं तो कीर्तन मैं रम जाऊं मेरी गद्दी पे बाबा विराजे सब
बैठे हैं, मुझे किस बात की चिंता। बजाओ ताली। मन चिंता फिकर क्या है कि सोने वाला है जब तुम्हारे सागे, सोने वाला है जब तुम्हारे सागे, सोने वाला है जब तुम्हारे सागे। लेने देने को हिसाब रखे हाथों में चना, लेने देने को हिसाब रखे हाथों में चना। अच्छा एक बात बताओ, अपने घर में जितनी भी महीने में कमाई आती है, प्रतिदिन कमाई आती है, उसमें से कुछ ना कुछ दान कौन कौन निकालता है? निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है, निकालना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो मैं उसके नाम का केवल 1 रुपया निकालता हूं। 100 में से 50 कोई नहीं निकालेगा, 100 में से केवल 1 रुपया उसके नाम का निकालते हैं। और उसको पता है अगर मैंने इसके धंधे में, इसके व्यापार में घाटा दिया तो मेरा 1 रुपया भी काट लेगा। ऐसा लालची कलयुग का इंसान, एक बार सीधे सीधे हाथ उठाओ। लेने देने को हिसाब रखे हाथों में चलो, लेने देने को हिसाब रखे हाथों में रहना। मेरी रोजगारी रोज मिलावे जी, मिलावे जी। कर ओम हरि बैलेंस शीट। मैं बताया आपसे क्यों बुलवा रहा हूं, मेरा कारोबार बालाजी की कृपा से चलता है। एक बार सीधे सीधे हाथ उठा के बालाजी को जो सबसे प्रिय नाम है ताली बजा के बोलना है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब हम फोन मिलाते हैं, फोन पर बात करते हैं, बात करने से पहले, फोन उठाने से पहले क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हो? हेलो 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 हेलो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नरेले में छोड़ के फोन उठाओ, हेलो मत कहा करो, जय श्री राम बोलो। फोन उठाते जय श्री राम कहा करो, हेलो नहीं, वो अंग्रेजों की संस्कृति है, हमारी संस्कृति है जय श्री राम बोलना, जय श्री श्याम बोलना। जय श्री राम बोलो फिर अपना काम बोलो, जय श्री राम बोलो फिर अपना काम बोलो। अगर ऐसी हर घर में राम नाम की जयकार गूंजेगी तो मेरा दावा है पूरे भारत में फिर से राम राज्य आएगा। एक बार सीधे सीधे हाथ, अगर राम राज्य चाहते हो, 1 2 3 4 भाई साहब आप ये बात क्यों कह रहे हो कि मेरे धंधे में लागत कुछ ना, हमारा तो करोड़ों का व्यापार है, बड़े बहुत पैसा लगता है हमारे व्यापार में। मैंने उससे कहा भाई साहब कभी अगर आपका व्यापार में काम धंधे में नुकसान हो तो चिंता मत करना, उस समय को सोचना जब आपने व्यापार शुरू किया था, आज आप 1 लाख का 2 लाख का करोड़ का व्यापार कर रहे हो, जब शुरुआत की जब आपके पास इतना नहीं था, देने वाला तो यही है ना। मेरे धंधे में लागत कुछ ना पर फिर भी है मुझको समाई, पर फिर भी है मुझको समाई, पर फिर भी है मुझको समाई। मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं करूं राम नाम की कमाई, करूं राम नाम की कमाई,
तारी बैलेंस शीट वाला जीवन आवे मुझा में कटे भी घाटो आवे ना आवे ना। अगर आपको यकीन है कि कारोबार बालाजी की कृपा से चलता है, बाबा श्याम की कृपा से चलता है, तो एक बार लंबे लंबे हाथ भागे, इतनी जोरदार ताली बजाना, इतनी जोरदार ताली बजाना, क्योंकि जितनी जोरदार ताली बजाओगे आपका कारोबार भी उतनी जोरदार चलेगा। सच्चे हाथ उठाकर, लंबे हाथ उठाकर, 1 2 3 लक्ष्मी का ताता मेरा बाबा सला सर वाला मेरा बाबा सला सर वाला मेरा बाबा सला सर वाला। ये लाइन, ये पंक्तियां सभी बोलो एक बार, क्योंकि अन्न धन लक्ष्मी, इसमें सब कुछ है। अगर आपने ये चीज मांग ली तो आपके पास जीवन का हर सुख आ जाएगा। अन्न धन लक्ष्मी का दाता मेरा बाबा सलासर वाला धन मेरा बाबा। मेहंदीपुर के बालाजी क्या करते हैं, मेहंदीपुर के बालाजी क्या करते हैं, संकट काटते हैं। कौन कौन गया मेहंदीपुर के दरबार? कुछ लोग जाने से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। संकट किसे कहते हैं? जो नाड़ मटका खाली वो संकट नहीं होता। घर में कोई चिंता है, कलह कलेश, ये भी तो संकट है, ये भी संकट है। आप लोग हर रोज घर में लड़ाई करते हो, संकट है। जरूरी नहीं कि मुंडी मटका का वो ही संकट है। बाहर लिखा है शांति निवास, घर के अंदर जूत बाज रहा, गलत है ना? एक बार सीधे सीधे हाथ उठा के सभी मिलकर गाना, अन्न धन लक्ष्मी का दाता मेरा बाबा। सालासर बालाजी क्या देते हैं? मेहंदीपुर के बालाजी संकट काटते, दुख दर्द काटते हैं, और सालासर के बालाजी अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ बांटते हैं। बालाजी महाराज जो चाहते हैं ना, करोड़पति बनना चाहते हैं, एक बार लंबे लंबे हाथ उठाकर, बिल्कुल लंबे लंबे हाथ उठाओ। आप सोचोगे तो सही, बड़ी गंदी आदत है जागरण वालों की, जब देखो हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। अगर किस्मत सुपर बनानी है, एक बार ताली बजा के बोलो लंबे हाथ करके, अन्न धन लक्ष्मी दाता मेरा पापा सलासर वाला भला क्या सोचूं मेरी भगिया का ये रखवाला मेरे बाबा वा क्या बात रख दिया मेरे सिर पे हाथ मेरे बाबा वा क्या बात सिर पे हाथ मेरा पति पति साथ निभावे भजन पूरा हुआ समझ में आए तो मिलकर बोल दो, कारो बाहर मेरो चलावे ओम हरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे ओम हरी बालाजी बनावे हो जा में कते भी घाटो आवे ना आवे ना। ओ कारो बाहर मेरो बालाजी चलावे बैलेंस शीट मेरो बालाजी बनावे ओ कारो बाहर मेरो बालाजी बोल सच्चे दरबार हो मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे इंतजार सांवरे
पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। और बाबा आने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बाबा ने कहा कब आऊं? प्रेमी ने कहा क्या? आसमान से चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान से तारों की बारात हो, आसमान से चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान से चंदा निकले तारों की बारात हो, शीश झुका हो इस सेवक का सिर पे तेरा हाथ हो, शीश झुका हो इस सेवक का सिर पे तेरा हाथ हो, कभी भोग लगाऊं कभी आरती में गाऊं, कभी भोग लगाऊं कभी आरती गाऊं, कभी बोलो कभी भोग लगाऊं कभी आरती गाऊं, कभी जी वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी। एक तमन्ना है इस दिल की जी भर के दीदार हो, एक तमन्ना है इस दिल की जी भर के दीदार हो। बाबा ने कहा आने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कैसे आऊं? तू लेने आएगा या मुझे अपना व्हीकल खुद तैयार करना है? प्रेमी ने कहा बाबा जब मैं खाटू नगरी में आता हूं केवल 2 सेकंड के लिए आपके दर्शन होते हैं, मेरी एक तमन्ना है। एक तमन्ना है इस दिल की जी भर के दीदार हो, एक तमन्ना होली ले घोड़े पे सवार मेरा सांवरिया सरकार हो, नीले घोड़े पे सवार मेरा सांवरिया सरकार हो, कभी चवर ढुराऊं कभी चवर ढुराऊं, कभी चरण धुलाऊं कभी चवर ढुराऊं, मित्तल का मान बढ़ाया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी आया करो जी, कभी भक्तों के घर भी। और बाबा ने कहा तुझे बचपन से देखता आ रहा हूं, पहले अपने पिताजी के साथ उसकी उंगली पकड़ के आता था, आज तो जिद कर रहा है कि मैं तेरे घर चलूं, आज तुझे तू मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है हाथ पकड़कर। प्रेमी ने कहा क्या? बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, हर पल तेरा ध्यान धरा, बचपन बीता आई जवानी, हर पल तेरा ध्यान धरा, तूने ही तो खाटू वाले हर पल मेरा काम करा, तूने ही तो खाटू वाले हर पल मेरा काम करा, कभी फगन पे आया कभी ग्यारस पे आया, कभी फगन पे आया कभी ग्यारस पे आया, कभी मेरे घर पे आया करो, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने। अब जो मिलने के लिए तैयार हैं बाबा के स्वागत में सभी एक बार हाथ उठाओ और ताली बजाकर मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का ऐसे नहीं आएगा, मिलकर बुलाना पड़ेगा, लंबे लंबे हाथ उठाओ। और हो सकता है इतनी आवाज में मेरे बाबा को समझ ना आए, लेकिन अगर इशारा करके बुलाओगे 100% आएगा। एक बार इशारा करके बुलाओ क्या हो? आजा शाह
किस प्रकार सेवा करनी है। हमें आती नहीं है, लेकिन इस भजन ने हमें सिखाया क्या, गंगा जल से ठाकुर के चरण मत धुलाना, गंगा जल का उपयोग बिल्कुल मत करना। जिस प्रकार कन्हैया ने सुदामा के चरण धुलाए थे, हमारी वो औकात नहीं, लेकिन अगर हम अपने आंसू के एक भी बूंद से इनके चरण धुलाए तो बाबा आने पर मजबूर होगा। बाबा से कहना क्या, पलकों का घर आंखों के अश्वन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं, आंखों के अश्वन जल से तेरे चरण पखारूंगा बाबा, गंगा जल का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आंखों के अश्वन जल से तेरे चरण पखारूंगा मैं, आंखों के अश्वन जल से चरण पखारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल सवारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल सवारूंगा बाबा। लेकिन एक बार, लेकिन सिर्फ एक बार, मौका सेवा का दे एक बार सांवरे, मौका सेवा का दे एक बार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, आजा शाह आजा, मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा है, लेकिन मेरे से भी ऊंची आवाज होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप, मैं अकेला हूं और आप इतने सारे हैं। मैं ना माना कि मेरे पास माइक है, लेकिन इनकी सेवा के लिए केवल यही मिला, ये आपको नहीं दूंगा, आपको अपने आप बोलना पड़ेगा। दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, बाबा मेरे द्वार पर मेरी कुटिया में कोई पहरेदार नहीं है, पहरेदार है तो केवल दो ये नैनों के पहरेदार जो आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। आंखों के दरवाजे ऊपर पुतली का है पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा। और जो ये प्रेम बाबा हम तुमसे करते हैं, कलयुग का इंसान है लालच के वश करता है, लेकिन मैं बाबा कह रहा हूँ ये प्रेम जो तुमसे करता हूँ निस्वार्थ करता हूँ, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से भी गहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से भी गहरा, हम तो तेरे हुए हैं तलबगार सांवरे, हम तो तेरे हुए हैं तलबगार सांवरे, पलकों का मेरी पलकों का घर। आज बाबा के कीर्तन में आप सभी के मुख से बुलवाने का केवल एक उद्देश्य है कि आप अपने घर से जो कुछ सोचकर आए, जो कुछ मांगने आए हैं, आज मेरे बाबा के दरबार से लेकर जाना। अगर नाचना चाहते हो, 9:30 हो गए हैं, एक या दो भजन के बाद बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे, मस्ती के साथ नाच कर झूम कर उस समय नाचेंगे, लेकिन अभी केवल तालियां, लंबे लंबे हाथ, 1 2 3 4 जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तू मेरे
से एक विनती करना और कहना, बाबा आप हमारे कुटिया में जब आओगे ना जाने कौन सा कंकर पत्थर आपके पैरों में ना लग जाए, उसके लिए एक छोटी सी सेवा और करना चाहता हूं। क्या? बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, ओ जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ रखेंगे। ख्वाहिश पूरी करो ना एक बार सांवरे, ख्वाहिश पूरी करो ना एक बार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, सांवरे सलोने मन मोहना रे, आजा सांवरे, सांवरे सलोने मन मोहना रे, आजा सांवरे, आजा सांवरे सलोने मन मोहना रे, आजा सांवरे, आजा सांवरे सलोने मन मोहना रे, आजा सांवरे। महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने तो आओ, महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने को आओ, अरे महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने तो आओ, महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने को आओ। मेरे घर में महलों जैसे ठाठ नहीं, लेकिन मैंने सुना है आप धनवानों के घर जाते भी नहीं हैं, क्योंकि अक्सर धनवानों के पास दिल नहीं होता, भाव नहीं होते। मैंने सुना है आप जब भी आते हो भाव के विवश होकर, प्रेम के विवश होकर आते हैं, और प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया महलों जैसे ठाठ नहीं है, मैं आपको जब मानूं जब आप मेरी गरीब की कुटिया में आओ। महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने तो आओ, महलों जैसे ठाठ नहीं घर देखने तो आओ, और बाबा बेशक से मेरी कुटिया में एक दिन भी मत बिताना, रहना मत, रहना रहना मत चाहे मेरे बाबा, रहना मत चाहे मेरे बाबा आजमाने आओ, रहना मत चाहे मेरे बाबा आजमाने आओ। मोहित दिल से करे है पुकार सामने, मोहित दिल से करे है पुकार सामने, तैयार सांवरे मेरी पलकों का। एक बार फिर से आखिरी बार लंबे हाथ उठा के बुला लेना, आजा शाह आजा अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को, बाबा आ जाओ ना भक्तों के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। कौन कौन बुलाना चाहते हैं, जो बुलाना चाहते हैं एक बार मीठी की ताली बजाकर सभी गाना और कहना, क्या? अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, 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 ये पता है जमाने को, बाबा आ जाओ ना भक्तों के यहाँ कुछ पल ही बिताने को, आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही
भोग है तेरे लगे एक दिन खा लेना शाम। रूखा सूखा और रूखा सूखा रूखा सूखा और रूखा सूखा। बाबा मुझे पता है तू हर रोज 56 भोग खाता है, लेकिन मैं गरीब तुझको खिलाने को 56 भोग कहां से लाऊंगा। जैसी रूखी सूखी रोटियां तूने दी है वैसे तुझे खानी पड़ेगी ठाकुर। 56 भोग है तेरे लगे एक दिन खा लेना शाम। रूखा सूखा रूखा सूखा रूखा सूखा रूखा सूखा। भरना हो जो कुछ भी मेरे एक दिन रहना शाम। मेरे संग भूखा मेरे संग भूखा मेरे संग भूखा मेरे संग भूखा। देख गंगा लिए एक तेरा लाल बैठे हो। अगर अपने इस निर्धन इस गरीब भक्त के घर आकर के एक बार इसके फटे पुराने आसन पर बैठे बाबा आपकी कसम आपकी शान कम नहीं होगी। आपके भक्तों की नजरों में आपकी इज्जत आपका मान सम्मान और बढ़ जाएगा। शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। बोलो शान होगी ना कम बाबा। अगर बुलाना चाहते हैं तो बोल देना। अगर मानते अपने आप को हम बड़ी बड़ी कोठी वाले बड़े बड़े महलों वाले हैं, कभी नहीं आएगा उनके घर में। जाता है महलों वाले के घर भी, लेकिन वो महल वाले कैसे होते हैं जो सदा गरीबों की भी सेवा करते हैं। आज जेब में अगर 10,000 रुपए आ जाए तो अपने आप को हम अमीर मानते हैं। ऐसे मोटे मोटे सेठ खाटों में जाते हैं जो जाकर के गरीबों के पांव भी दाब देते हैं। सब कुल शाम प्यारे की मेरे फटे पुराने आसन पे एक बार बैठ जाओ। ओ खाटू वाले ओ मुरली वाले ओ खाटू वाले बोले ने शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। शान होगी ना कम बाबा तेरी कसम। मैं आया तुमको बताने को बाबा आ जाओ ना भक्तों के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। आ जा मेरे कन्हैया
सहारे डूबेगी मेरी नैया है सदा अंधेरा सदा अंधेरा सदा अंधेरा सदा अंधेरा फूलों में सोने वाले कांटों पे बिछोना है बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा। हम हर वर्ष दीपावली का त्योहार मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं दीपावली का त्योहार, और ये हमारी किस्मत है, हमारी घड़ी है। जिस प्रकार मैंने घड़ी बांधी, आप सबके पास भी आपके सबके जीवन में कोई ना कोई घड़ी है। हाथ में नहीं है तो घर में दीवार पर टंगी है, और ये उस घड़ी का, उस शुभ घड़ी का शुभ कर्म है जो आज हम इसके कीर्तन में बैठे। नहीं तो आज पता नहीं कौन किसी एम्बुलेंस में किसी हॉस्पिटल की ओर जा रहा होगा, कौन किसी रोड पे मरा हुआ पड़ा होगा। लेकिन हमारी किस्मत कितनी अच्छी कि इसके कीर्तन में बैठकर तालियां बजा रहे हैं और इसको मना रहे हैं। हर साल दीपावली का त्योहार मनाते हैं, अपनी अपनी औकात के अनुसार मिठाइयां भी बांटते हैं, घर को सजाते हैं। लेकिन जिस भक्त के घर में दीपावली मनती नहीं, जो चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, हम उसको कुछ देकर आते हैं नहीं, उसको कभी कुछ नहीं देकर आते। क्यों उसको देकर आएंगे, कौन देखेगा? अभी दिया 5 मिनट बाद, लेकिन मैं आपको देकर आया। ये प्रिंस डब्बा दे गया था, इनको देकर आया अपनी बोर बढ़ाई के लिए। जो भक्त मान सम्मान करते हैं, सभी का दिल से धन्यवाद। केवल अपना नाम दिखाने के लिए, अपनी इज्जत शोहरत दिखाने के लिए दीपावली का त्योहार है, मिठाइयां बांटनी चाहिए। और मैं तो बाबा से प्रार्थना करता हूं, हर भक्त को इतना काबिल बनाए, इतना धनवान बनाए कि वो मिठाइयां बांटे, त्योहार खूब धूमधाम से बनाए। लेकिन जिसके घर में दिया नहीं जलता, उसके घर में दिया जलाने लायक भी बनाना बाबा। जिस भक्त के घर में, जिस गरीब के घर में मिठाइयां नहीं जाती, उसके घर तक मिठाइयां पहुंचाने तक का जिम्मेवार भी बनाना। सीधे हाथ उठा के गा देना क्या, आके तो आजमा पूरा पल के पीछा, आके तो आजमा पूरा पल के पीछा, आके तो आजमा पूरा पल के पीछा, आके तो आजमा पूरा पल के पीछा। ओ बाबा तुझको सुलाने को हरी आ जाओ ना घर घर के, यहाँ कुछ पल ही बिताने को। अब हाथ उठाने में कोई कंजूसी मत करना, आज के कीर्तन में आखिरी बार बुला रहे हैं, और मेरा दावा है बाबा को आना पड़ेगा, लेकिन दिल से बुलाओ, लंबे लंबे हाथ उठा के, किसी के हाथ नीचे ना रहे, और सभी कहना क्या, आ जाओ कन्हैया आ जाओ।
मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया, आ मीरा। अब सारे पड़ोस की सोचेंगी या मीरा ना, अगर मीरा आप सब भी हो लेकिन बनना पड़ेगा। कौन सी मीरा? जो एक तारा लेकर उसके नाम की मस्ती में डूबी हुई थी। बचपन में घर के बाहर से बारात को जाते हुए देखा, मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा, वो घोड़े पर दूल्हा जा रहा है, उसकी शादी हो रही है। जब माँ ने बताया तो मीरा ने कहा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब बच्ची थी, माँ बच्ची को कैसे समझाए? वो मुरली लेकर खड़ा है, घर में कन्हैया की मूर्ति लगी थी, कहा वो है तेरा दूल्हा। आज उस दिन से कन्हैया को अपना दूल्हा, अपना सब कुछ मान लिया और उसकी मस्ती में खो गई। और जो जो कन्हैया की मस्ती में खोए, एक बार खड़े हो जाओ, लेकिन बैठना नहीं है, एक बार खड़े हो जाओ आप भी। हाँ जी, एक बार खड़े हो जाए मीरा बनकर। आप अपने जीवन में आपका कोई भी नाम हो, इना मीना डीका, पतासो, गुलाबो, ये नाम होया करते थे पहले, आजकल तो नाम भी बिरयानी और डाल के हो गए। पतासो आजकल स्वीटी होगी। इब जब आप पतासो बुढ़िया होगी, जब आप पतासो बुढ़ी होगी और उस बुढ़ी ने स्वीटी दादी कहूंगे कि साला क्या ये दादी स्वीटी, राम राम। वो पतासो जचेगी स्वीटी ना जचे, इतने वो बुढ़ी होगी इतने राम राम खत्म हो लेगा। क्यों लेगा? राम राम खत्म हो लेगा, इतने तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून है, हेलो आइए चलेगा ना जी ना। ये बुढ़ी ना उल्ला करी है देख ले। तो फिर बाकी आजकल का टाइम ऐसा आ गया, ब्याह शादी 35-40 साल में हुए है, फिर बालक बच्चे हुए हैं, इतना उनके ब्याह का टाइम हो, इतना आगे का कलयुग ऐसा आ गया जी। पहले सतयुग में कई कई हजार साल जिया करते, द्वापर आया 100 साल जीने लगे, कलयुग आ गया और कम होगी उम्र। अब कलयुग बढ़ता जा रहा है और उम्र घटती जा रही है, क्योंकि उस भगवान का अवतार जब ही होगा जब इस कलयुग का अंतिम चरण होगा, बिल्कुल अंतिम स्तर पर होगा। आइए एक बार खड़े हो जाए, नाच कर जाऊंगा। अरे हो जाओ जी, वैसे तो इनका नाम कृष्णा है, वैसे तो इन आंटी का नाम कृष्णा है, पर लेकिन ये मीरा बनेंगी। अब ये देखो इनके दरबार में कैसी कैसी लीला होती। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। रंग के शाम रंग में चूनरी
यादें ताजा कर दी अंकित भैया ने। आओ फिर इन सबको भी मीरा बनाया था मंडी के बड़े वाले कीर्तन में, क्योंकि कृष्ण जी के महाराज में अब आप सभी मीरा बैठ जाओ। अब हमारे स्टाफ की मीरा देखना कैसा नाचती है, पीछे पीछे होकर बैठना है, व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे होनी चाहिए। और ताली बजाओ, एक बार तालियां मस्ती रहनी चाहिए सभी भक्तों की, बजाओ ताली। 1 2 शाम सांवरिया सेवक मित्र मंडल वाली सारी मीरा आ जाओ। आओ जी मीरा जी, वैसे भी तो हमारे भोले हैं। भोला भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाए भोली घूंघट निकाल के। हमारे दिनेश भैया को भोला बनकर महाराष्ट्र में एक बार भेजा गया, जब क्योंकि कृष्ण के महाराष्ट्र में कोई मुझे भी दिखा दो, मारा भी एक दबरुआ जगह यू जागरण करने वाला। अब हमको नहीं दिखाते, कृष्ण जी के महाराज में कोई भी पुरुष नहीं जाता, जाते हैं तो केवल स्त्रियां। हाँ जी गोपी, ओ मीरा इधर आ जा। हाँ जी आप ही मीरा हो, मीरा की चुन्नी कहाँ है, इस मीरा की चुन्नी तो है नहीं। हाँ ये लो जी, एक बार वही रूप सिखाया था, बार बार नहीं सिखाऊंगा, इस बार सिखाने के पैसे लगेंगे, याद रखा करो अपना अपना। ओ हाँ आप कौन इस बीच चलेगा, या मीरा थोड़ी सी याद टकरा के किसे गला, मीरा के टक्कर मार गया। 1 2 3 टैक्स लगा दो, अभी बधाई में तो टैक्स लगना है, टेंशन ना लो, पिछली बार लॉकडाउन था, बधाई में बताओ अपने घर में शर्म नहीं करता, थम तो मंडल वाले हो, इधर आ जाओ जी, मीरा का वही रूप जो पिछली बार था, ऐसे कर लो घूंघट करके आओ मीरा। आजकल के जमाने की मीरा जींस पैंट वाली होगी, आजकल की मीरा जींस पैंट वाली होगी, बच्चे माँ के आंचल को तरसते हैं, क्यों तरसते हैं, अरे जींस पैंट वाली माँ के पास आंचल कितना आएगा, पहले की माँ करते आप सब बैठे हो, पहले की माँ मेरी माँ बैठी वो पल्ला ले रही, या मीरा आंटी बैठी पल्ला है आपके पास, पल्ला है बच्चे आंचल को नहीं तरसे, लेकिन आजकल की जीन्स पैंट वाली माँ आंचल नहीं ला सकती। ना 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 ना, ये तो हमारी वही मीरा है जो पिछले साल थी। आओ जी 1 2 ऐसे घूंघट करके आओ जी 1 2 कमजोर पड़ रही है सारी, आजा मीरा जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं तो नई नवेली आई, ओ मैं तो नई नवेली आई, नई नवेली मीरा आई है। एक काम करो, एक हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो मीरा बनके। पैरों
मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ये मीरा मस्तानी हो गई। आओ जी एक बार जो जहां खड़ा है ना वहीं पे बैठ जाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री बाबे का एक केक बनाया है, जिसको चखेगा बाबा तुम। हम सबको क्या बोल रहे हैं? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी मंडल वालों एक बार इधर देखो, इनकी आवाज में मजा आया? ये मेरे सारे भाई मना कर रहे थे, महिला मंडल की आवाज में मजा नहीं है। एक मौका दिया जाए, बोलो एक बार। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। अब हमारे भाई साहब का सभी जेंट्स का नंबर देख लेना, आपने कहा लेडीज की आवाज कम है, इनसे डबल ट्रिपल होनी चाहिए। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हां जी कैसी आवाज कम है कि ज्यादा है? इनको कहना मारता कम है, ये लोग कहे एक बार और उनको बोलो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई शेर तो जब हड़ताल लगी सुनता है ना, पर ज्यादा इतना ना मत अपने शेर होने पर, जिन्होंने तो शेरनियों ने ही दिया है। सही बात है ना? और देखो इसके दरबार में एक दूसरे को हराने के लिए कोई भी काम करोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी, केवल अपनी खुशी के लिए अपनी जीत के लिए। Happy birthday!
सभी छात्र का केक खाने आ गए, गिफ्ट कौन लाएगा? इसको किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन एक अनमोल गिफ्ट है जो केवल एक भक्त ही अपने शाम को दे सकता है। कौन सा? भजनों का गिफ्ट, प्रेम भाव से देना और कहना, बाबा तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। नानी तेरी मोर निको